आज के इस वीडियो में देखेंगे कि बीम कॉलम एंड ट्रस कैसे मॉडल करना है। स्ट्रक्चर रिबन में जाना है, उसके बाद स्ट्रक्चर पैनल में कॉलम पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी ब्राउजर में जो कॉलम की साइज है वो सिलेक्ट करना है और ग्रिड इंटरसेक्शन के वहाँ पे जस्ट क्लिक करना है तो कॉलम ग्रिड के इंटरसेक्शन पॉइंट पे प्लेस हो जाएगी। 3D व्यू में जाके देखेंगे तो ये जो है वो सारी कॉलम्स हमें यहाँ पर दिखेगी। कॉलम को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद फिल्टर करना है, फिल्टर करने के बाद एनालिटिकल कॉलम को ऑफ करना है, ओके करना है एंड अटैच टू बेस पे क्लिक करना है एंड बेस पे क्लिक करने के बाद फ्लोर को सिलेक्ट करना है तो जितने भी कॉलम है वो फ्लोर पे अटैच हो जाएगी। उसके बाद फिर से सेम फिल्टर में जाना है, स्ट्रक्चर कॉलम को ओके करना है एंड ओके करने के बाद अटैच टू टैब पे क्लिक करना है एंड टॉप पे क्लिक करने के बाद सेकेंड फ्लोर को सिलेक्ट करना है एंड ओके। ये जो कॉलम है वो बॉटम लेवल पे भी अटैच हो गई है, टॉप लेवल पे भी अटैच हो गई। फिर सेकंड फ्लोर पे जाके स्ट्रक्चर पैनल में बीम सिस्टम में जाना है, उसके बाद रेक्टेंगल पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉ पैनल में से तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के बाद ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन मतलब भी हमारी जो बीम है वो ये डायरेक्शन में प्लेस होंगे। फिर ये जो एज है वो एज को ग्रिड लाइन से हम 6 मीटर की दूरी पर रखेंगे, तो ये जो डिस्टेंस है वो 6000 कर देना है। फिर ये जो डिस्टेंस है उसको भी हम 6000 कर देंगे। 6000 करने के बाद यहाँ पर फिनिश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जितनी भी लाइंस दिख रही है सारे बीम यहाँ पर प्लेस हो गए। 3D व्यू में जाके देखेंगे तो देखो इतने सारे बीम यहाँ पर प्लेस हो गए। तो अभी क्या करना है, इसको जस्ट सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद फिक्स डिस्टेंस में यहाँ पर 6000 फिगर डालना है। 6000 डालने के बाद ये जो बीम है, ये दो बीम के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6000 आ जाएगा। अब क्या करना है, जो सेंटर है उसकी जगह पे उसको एंड कर देना है तो ये जो ग्रिड लाइन है ये ग्रिड लाइन पे यहाँ पर बीम आ जाएगा। सेम वैसे ही हमें फिर से स्ट्रक्चर के रिबन में जाना है। स्ट्रक्चर के रिबन में जाने के बाद ये जो स्ट्रक्चर पैनल है उसमें बीम सिस्टम में क्लिक करना है और ये रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे तो इस बार हमें डायरेक्शन ये वाला चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बीम डायरेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और ये लाइन को सिलेक्ट कर देंगे तो जितने भी बीम है अभी हमारे वर्टिकल ऐसे आएंगे। तो यहाँ पर ये जो एज है वो एज को ग्रिड लाइन से हम 6000 पे रख लेते हैं और ये वाले एज को भी हम यहाँ पर 6000 पे प्लेस कर देंगे 6000 और ये एज को सिलेक्ट करके यहाँ पर 6000 देना है। 6000 देने के बाद फिनिश करना है। फिनिश करने के बाद सेम थिंग, यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसको डिस्टेंस को 6000 करना है और यहाँ पर एंड टू एंड करना है एंड। तो ये जो ग्रिड है वो ग्रिड पर यहाँ पर बीम आ जाएगा। अभी अगर जो हम 3D व्यू में जाके देखेंगे तो ये जो हमारे बीम है वो सेकेंड फ्लोर लेवल पे प्लेस हो गए। तो ये जो सिस्टम है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टी में तो बीम टाइप में जाने के बाद यहाँ पर कॉन्क्रीट एंड रेक्टेंगल बीम को सिलेक्ट करेंगे तो ये जो बीम के टाइप है वो पूरा चेंज हो जाएगा। जो आई बीम था वो कॉन्क्रीट बीम हो जाएगा। ये जो दूसरे सिस्टम को सिलेक्ट करने के बाद उसको भी बीम टाइप में जाके कॉन्क्रीट बीम कर देंगे तो ये वाले जो बीम है वो भी कॉन्क्रीट बीम हो जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे अलाइन करना रहेगा तो क्या करना है, ये एंड पे इस सेकेंड फ्लोर में जाके ये जो सिस्टम है सिस्टम को सिलेक्ट करना है, एडिट टाइप में जाना है, ये जो लाइन है उसको सेंटर लाइन में लेके आना है। सेंटर लाइन में लेके आएंगे और ओके करेंगे तो ये जो बीम है हमारे वो प्रॉपर अलाइन हो गए कॉलम के साथ। अगर जो इंडिविजुअल बीम को अभी एडिट करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये जो सिस्टम है जो बनाई है उस सिस्टम को रिमूव कर देना है। सेम अगर जो ये दूसरी सिस्टम है तो सिस्टम को रिमूव कर देना है। ये जो सिस्टम है उस सिस्टम को सिलेक्ट करना है, रिमूव कर देना है। तो दोनों सिस्टम अभी रिमूव हो गई। तो रिमूव होने के बाद अगर जो इंडिविजुअल बीम को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद उसकी साइज चेंज करेंगे तो अभी ट्रस कैसे प्लेस करते हैं कि स्ट्रक्चर में जाना है। स्ट्रक्चर में जाने के बाद जो स्ट्रक्चर का पैनल है उसमें ट्रस में जाने के बाद यहाँ पर बेरिंग में जाके जो बॉटम है उसको टॉप कर देना है। टॉप करने के बाद ये जो कॉलम टू कॉलम जस्ट क्लिक करना है, कॉलम टू कॉलम क्लिक करना है तो हमारा ट्रस यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो ट्रस है उसका हाइट क्या है, 1800 है तो उसको हम लोग क्या कर देंगे, 900 करते हैं तो ट्रस का हाइट यहाँ पर छोटा हो जाएगा, 900 का ट्रस आ जाएगा 1800 की जगह।
अभी यहाँ पर जूम करके देखते हैं तो ये जो आई बीम है वो दूसरे आई बीम के साथ क्लैश हो रहा है, तो उसको क्या करना है, जस्ट सिस्टम को सिलेक्ट करना है, रिमूव ट्रस्ट सिस्टम। ठीक है, बाद यहाँ पर मॉडिफाई में जाना है, मॉडिफाई में जाने के बाद कॉप में जाना है, उसके बाद ये जो आई बीम को सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल आई बीम को सिलेक्ट करेंगे तो अलाइन हो जाएगा उसके साथ, फिर से इसको सिलेक्ट करना है, हॉरिजॉन्टल के साथ सिलेक्ट करेंगे तो अलाइन हो जाएगा, जस्ट अलाइन करना है हमें बस। इसको ज़रा सा ड्रैग कर लेता हूँ, रिमूव, इसको ड्रैग कर लेता हूँ, ड्रैग कर लेता हूँ। क्या करना है, यहाँ पे कॉप में जाना है, कॉप में जाने के बाद आई बीम को सिलेक्ट करना है, जस्ट एक आई बीम को दूसरे आई बीम के साथ सिलेक्ट करना है तो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा, जैसे इसको सिलेक्ट करना है ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाएगा। सेम उसी तरीके से बाकी के सारे आई बी एम अलाइन कर लें। तो इसी तरीके से हम कॉलम बीम और ट्रस बना सकते हैं। थैंक यू।